ईरान में प्रदर्शनकारियों और सरकार का विरोध करने वालों को सजाए मौत देने का सिलसिला जारी है। इस बीच ईरान ने अपने ही पूर्व उपरक्षा मंत्री अली रजा अकबरी को जासूसी का गुनहगार बताकर फांसी दे दी है। अली रजा अकबरी के पास ईरान और ब्रिटेन की दोहरी नागरिकता थी, जिसके चलते ऋषि सुनक ने अली रजा को दी गई फांसी पर रोष जताया है। उन्होंने कहा कि ईरान ने निर्दयी और कायराना हरकत की है। इससे पता चलता है कि ईरान की सत्ता में बैठे नेता अपने ही लोगों के मानवाधिकारों की इज्जत नहीं करते हैं। फांसी की सजा से पहले अली रजा अकबरी का एक ऑडियो सामने आया था, जिसमें वो बता रहे थे कि कुछ साल से वो ब्रिटेन में रह रहे थे। 2019 में उन्हें एक ईरान के डिप्लोमेट ने बातचीत के लिए बुलाया था। जब अली रजा वहां पहुंचे तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अली रजा ने अपनी मौत से पहले बताया था कि उन्हें 3500 घंटों से इंटेलिजेंस एजेंट टॉर्चर कर रहे थे। ऑडियो में अली रजा कह रहे थे कि ईरान 10 कैमरे लगाकर हॉलीवुड स्टाइल में उनसे गुनाह कबूल करवा रहा है। अली रजा ने कहा था कि टॉर्चर कर और साइकोलॉजिकल तरीकों से ये लोग मेरी हिम्मत तोड़ रहे हैं। ईरान के खुफिया मंत्रालय ने अली रजा अकबरी को देश के सबसे बड़े घुसपैठियों में से एक बताया है। उन पर आरोप लगाया है कि वो ब्रिटेन की सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस M16 को खुफिया जानकारी दे रहे थे। बताया जा रहा है कि ईरानी खुफिया मंत्रालय के एजेंट्स ने झूठी जानकारी देने की लालच में अली रजा को फंसाया और फिर पकड़ लिया। टाइम्स नॉन ऑफ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।